नमस्कार। कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके आगे रात ऐसे कैमरा पर्सन माधव के साथ में ये कार्यक्रम आप हरेक सोम के ऐसे हरेक मंगर के और हरेक बुद्ध के ठीक इतने समय से देख सकल जत, जिनमें हमारे मन की समाज की विकृति हमें कैसे हटा सके और असल सभी समाज के निर्माण हमारे कैसे कह सके एक संबंध में हमारे चर्चा कल जत। और एक साथ में हमारे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कल जत। आज हमारे अतिथि के न्यौता धर गिल बा। आज हमन ला अतिथि बाटे थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद रीता चौधरी, हमारे वहाँ से के बातचीत कल जी। ते अभी संग्री साथ रहल जी कार्यक्रम अवधि भर, ते कार्यक्रम में हमारे वहाँ की स्वागत कल जत बा। कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा, धन्यवाद। हाँ, ते वैसे आप एक समाज सेवी और साथ में थारू महिला सभा केंद्रीय पार्षद यानी कि थारू कलकारी सभा के भातरी संगठन थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद रहल गेल बा। ते ई जोन संस्था बा, ते आज तक कैसन कैसन काम करता आयल बा? अब ई संस्था हरेक महिला पीछे बाटे ओकन के लिए कैसे न्याय मिली, हरेक घर से वंचित बाटे थारू महिला एकदम जान बाहरे निकले नहीं पात बाटे, अपन जौन मन में विचार बा उ विचारधारण नहीं करे पात बाटे, ओकर बाद में एकदम घरेलू हिंसा कूटपीट के एकदम विकृति बा, ओकर लिए कैसे न्याय पही कही के हमरे ओकर खातिर न्याय दिहे खातिर हमरे लड़त बाटिन गे। हाँ, वैसे थारू कलकारी सभा डेढ़ वर्ष हो चुकल, अब वैसे हमारे कहा जाते 70 वर्ष हो चुकल, ते ओकर भातृ संगठन थारू महिला सभा गठन के लिए बा। ते वैसे हमन के कहा जा कि अब एक समाज से कथि आलोचना बा कि उल्लेखनीय काम करके नहीं सकले बा, और जोन ये थारू महिला सभा बा ते आपके कैसा लगात कि वह अनुसार के जो थारू कलकारी सभा बा वह अनुसार के काम कर बा कि उसके फर्क हिसाब से आप ले जाल जात बा? अब थारू महिला जैसे कि महिलन के जौन अधिकार मिले के बा उहे हिसाब से हमरे काम करल जात बा। हरेक जिला में हमरे पुगल गईला समिति गठन बा, हरेक जिला में कैसे कैसे हमरे महिलन के आगे बढ़ावल जाए कह के उहे अनुसार के हमरे काम करल जाए। हाँ, वैसे तो जौन अमन की समाज के जौन कितना जौन व्यक्ति पीड़ित बाटी और जोन अन्य में पर्वटकन के न्याय दिए करती जो हमन के थारू कण कृषि बाबा ये गठन भैले बाते एक खास कौन औचित्य रहे थारू महिला सभा के गठन कैले से? अब थारू महिला के गठन रहले से कि जितना भी महिला पीछे बाटे ओखन के आगे बढ़ाए खरतीन, ओकरे अपन हिंसा ना रहा कोनो चीज भी ज्ञान होए ओ कहन के ज्ञान खरतीन हमरे ई गठन कैले बाटे। हाँ, वैसे हमरे इतना घड़ी देखल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर, ऐसे हमन के कार्यक्रम के साथ में हम बाटी राज ऐसे कैमरा पर्सन माधव के माधव बाटे और हमन के आज अतिथि के न्यौता धर गिल बा रीता चौधरी थारू कलकारी सभा के भातृ संगठन थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद, हमरे वहाँ से लेके बातचीत कल जात बा। ते अभी संगरी साथ रहा जी, ते वैसे जौन अब आजकल देखल जा कि तमाने संस्था लागल बाटे एठू समाज सेवा के भावना करब कहके यानी कि समाज में बढ़िन काम करब, समाज के विकृति विसंगति हटाए के यानी कि असल से भी समाज निर्माण के करतीन, हमन के समाज में देखा जाते तमाने संस्था लागल बाटे बाकी का उल्लेखनीय काम करे नहीं सकली बाटे, ते आज तक आप सबकी योजना कैसे बाकी हमन के समाज की विकृति वैसे थे सहजे हटे नहीं सकी, हमन के जो महिला लोगन बाटे ओकरे सहजे न्याय पाते नहीं सकी, ते ओकन के कैसे न्याय दाल जीते ओकन के न्याय देहे के खरतीन हमरे हरेक नियम नीति कानून बा कैसे होई कहाँ जाके होई न्याय मिली, विभिन्न किस्म के हमरे कानून में जाके ओखान के न्याय दिहे खातिन हमरे लड़ल जात। हाँ, तो वैसे जो न थारू महिला सभा बा कैसन अधिराज्य भर एकर शाखा विस्तार बा कि कैसन? हाँ, अधिराज्य भर विस्तार बा शाखा। हाँ, तो आप सब थारू कलकारी सभा मार्फत काम कर जाला कि कैसन? हाँ, थारू कल्याणकारी सभा मार्फत। हाँ, तो वैसे हमन के समाज के जो विकृति विसंगति बा और जैसे आप कहल गेल कि जौन महिला लोगन पीड़ित बाटे न्याय पाक नहीं सकली बाटे बकिन का एक ठू न्याय पाक दौरान में कितना जौन महिला बाटे
ओखान तरे पुरुष भी बाटे यानी कि पुरुष भी पीड़ित बाटे ते यदि पुरुष पीड़ित रहते ओखान के कैसे न्याय दाल जीते कि आप सबके कार्य क्षेत्र उनाई पड़त अब उ महिला जे हो चाहे पुरुष हो न्याय ते बराबर मिले चाहिए आ हमरे ई नहीं कि महिला भर के न्याय मिले आ पुरुष के ना मिले कही गए वही जन न्याय हो उ बराबर न्याय मिले के चाहिए बाकी ढेर जैसन कही के महिला एकदम समुदाय भी समुदाय एक एकदम उठी मान लेवा कि घर के स्थिति घर के जौन बाटे कितना जन के सास ससुर से पीड़ित बाटा कौनों के श्रीमान से पीड़ित बाटा ते कौनो बाहर निकले चाहत भी नहीं निकले सकता ओखन के लिए हमरे ढेर आते किसन किसन मुद्दा उठान कर जैसे अमन के समाज में तमाम से विकृति बा वैसे हमरे पहले देखा जाते एक छोटे पर ब्याह यानी कि घरेलू बाल विवाह है और अगर साथ में घरेलू हिंसा बा कितना जो पतोह बाटे सास ससुर से पीड़ित बाटी और कितना जो है अपन श्रीमान से पीड़ित बाटी कितना जो है दहेज प्रथा से पीड़ित बाटी नर की जीवन बिता के बाद बाटी महिला लोगन ते आप सब कैसे मुद्दा उठान कर सकते हैं एक लिए हमारे मुद्दा उठान के लिए बाटी इनके कि बाल विवाह एक तो नहीं करे एक लिए रोकथाम और बाद में जो दहेज प्रथा बा ओके हमारे चाहे जैसे हटाए के कोशिश कैले बाटिन के विभिन्न जिला में जाके 22 जन हमन के थारू महिला सभा के गठन बा 22 ठो जिला में बा हमरे 22 जिला में पुग के कैसे हमरे एक जौन विकृति बा एक हटाए सकल जा कही के हमरे विभिन्न जिला में जाके कैल जाए छलफल ओकर लिए जौन है मुद्दा बाटे दाइजो प्रथा और घरेलू हिंसा ओकर लिए हमरे रोकथाम कैल जाए आते वैसे इतना गरी हमरे देखा जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर साथ में आटी राज ने कैमरा पर्सन माधव के साथ में और आज हम लोग अतिथि बाटे रीता चौधरी थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद आते वैसे हमन के थारू महिला सभा जन गठन बा आते वैसे हमन के रूपंदे के हक में खाल जीते एकदम तमाने से विकृति बा ते आप एक केंद्रीय पार्षद रह गिल बा बकिन का जोन हमन के ये समुदाय के जोन व्यक्ति लोगन बाटे हमरे महिले के कहा जी बकिन का कौनो मुद्दा मामला पड़ले पर ओकरे नजीक आग नहीं खोजने और साथ में जाके एक पत्रकार भी ओखन के नजीक गले से ओखन के समक्ष आग नहीं खोजने यानी कि मीडिया से लंबे रह खोजने तमाने अब मीडिया में बोला खोजल जी तब वो सब तमाने बहाना बाज करिए कि फुर्सत नहीं बा कह के अब अनेक काम में ओकरे समय दी ही बाकी इनका मीडिया से भागी खोजने यानी कि पत्रकार के समक्ष आग नहीं खोजने एक मुख्य कारण का होते काहे जो थारू महिला पुरुष जो राजनीतिक गलोगन बाटे काहे मीडिया से लंबे रह खोजने थे आपके विचार में कैसे लगा अब देखल जा अब हमार विचार में तो का लगा था कि पद भर लेले से नहीं होला पद के वाहन करे चाहला ओकर बाद जोन हमन के समुदाय में घटना बा उ जाके मीडिया में जाके जौन घटना बा ओके प्रस्तुत करेक परी ओकर खातिर लड़ेक परी मीडिया से डरा के नहीं होई बकिर ऐसन महिला दीदी बहनी बाटे कि जौन भी अपन मन में बात रहला उ बाहर निकारे नहीं चाहने मन में गुमसैल ही रहने वही के नाते हुई हमारे में जिसला आते वैसे हमन के जो ना रुपंदे के हक में कहल जीते आप केंद्रीय पार्षद रह गिल बा बकिन का जीते अब रुपंदे के हक में कौन मुद्दा मामला पर ले पर अब के अंतर जने जो ना घरेलू हिंसा में पीड़ित बाटे यानी कि नरकी जीवन बिता एक बाद दे बाटे महिला लोगन अब दहेज के कारण से हो या ओखन के छोटे में ब्याह होले से तमाने कारण बा ओखन के जिसे अब क्यों ना सामाजिक विकृति भी संगति से अटकल बाटे कि घर से बाहर नहीं निकले पात बाटे अपन सास ससुर कहा जा अब कितना जो ना पुरुष लोगन बाटे अपन श्रीमती के मेहरारू के जोन तमाने आलोचना माने अब आलोचित कर बाटे तमाने हिसाब से और कितना कौन भी हिसाब से प्रीत कर ले बाटे ते ओखन के जोन तमाने हिसाब से घटना घटत बा ते आप एक केंद्रीय पार्षद रहने के हिसाब से कैसे हैंडल कर जाला जिसे आप रूपंदे के हक में ते रूपंदे के जोन थारू महिला सभा बा खासे सुनवाई नहीं कर बजीसन अब अमन के समाज से ढेर बात सुने के मिलन बा ते आप केंद्रीय पार्षद रहने के हिसाब से कैसे थारू महिला सभा केंद्र जोन रूपंदे के हैंडल कर जात बाते आप एक हैंडल करे के लिए चाहे हम केंद्रीय पार्षद के ओर से समझल जा या हम एक ठो समाज
और से समझल जा जे केहू बोला दहल ऐसा घटना में हरेक मुद्दा मामला में ओकर लिए हम तैयार रहली जौन हमार ज्ञान बा हम उ ज्ञान के पालना करी ओकर लिए हम लड़े तैयार बाटी उ कैसे न्याय पाई ओके न्याय दिए खातिर हम तैयार बाटी। हाँ तो ऐसे जो हमन के समाज में तमाम प्रकार की जो विकृति विसंगति बढ़ते जात बा उससे हमन के एक तरफ कितना व्यक्ति जो हर एक हिसाब से शैक्षिक गुण स्तर से आगे बढ़ले बाटे बकिन का समाज में एक हमारे पीछे लौट के देखा जाते समाज की विकृति ज्यों के त्यों बा हटे नहीं सकले बा और बढ़ते जात बा। ते आप एक समाज से भी रहले के नाता से आपके समक्ष है कैसन कैसन मुद्दा आते जिसन लगा आपके विचार में अक्सर कह के अक्सर कह के बाल विवाह के मुद्दा भी आयल बा और जौन घरेलू हिंसा रहला ढेर जैसन ते घरेलू हिंसा के मुद्दा आवाला ओके विभिन्न किस्म के टॉर्चर देही ओके यातना देही पीड़ा उ हरेक पीड़ा सहत सहत वैसन भी हरेक मुद्दा हमरे ओके समस्या के समाधान कैल गेल। हाँ तो वैसे इतना करी हमरे देखा जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में बैठी राजी सिन्हे कैमरा पर्सन माधव के साथ में ऐसे आज हम लोग अतिथि बाटी थारू महिला सभा केंद्रीय पार्षद रीता चौधरी हमन लग बाटी ते विषय हमरे वहाँ से लेके आज बातचीत कर जात बा। ते विषय हमन के समाज के विकृति विसंगति हटाए खातिन जो न आपके एक संस्था बा महिला थारू महिला सभा अब वैसे हमन के कौन भी कार्यक्रम में देखा जीते महिला कहा जाए पुरुष कहा जा तमाने मेरे के भाषण छाँटत रहने कि हम ऐसा कह देव वैसा कह देव जब स्टेज में चढ़िए ते ओखन के इतना बोलिक इच्छा हो जाला कि एक जो उस समय में उद्घोषक रही वो भी माइक लेक चांस नहीं पाला इतना ढेर बोली ओकरे बकिन का जैसे स्टेज से उतरते बेला मोखन के जो भाषण बा वह स्टेज भर में सीमित रह जात आखिर काहे ऐसा होते अब ओकर लिए हम कितना बोलने कितना सकें स्टेज में जो जाके बोलत बाटे उहे अनुसार के एक ठो मीडिया बा मीडिया में आगे बोले चाहें अपन भावना रखे चाहें तब उ प्रचार प्रसार होई कैसे विकृति होइल बा एक कैसे हमरे हटावल जा कह के सब नाई उ अपन जौन पद लेले बाटे उ पद भी ले के ओकरे अपन पद के पालना नहीं करे सकत बाटे उ हमें जैसे लागल कि मीडियम जाए ते हमें प्रचार प्रसार होई सब कोई देही आ एक ठो स्टेज में जौन बा उ स्टेज में सीमित रह जाए कह के जैसे लागत। हाँ तो वैसे आपके सबके जो महिला थार महिला सभा बा अब समाज में तमाम प्रकार की घटना घटते जात बा यानी कि विकृति विसंगति बढ़ते जात बा और कितना जो महिला लोगन बाटे पुरुष भी बाटे प्रीत बाटे ते कौन मुद्दा आई ते उठान कर जात कि अब समाज में कौन कौन से विकृति बा कौन कौन से घटना घटत बा अब अमन की समाज के कैसे असल बना सके के आप सब अनुसंधान कर जाला कि कौन वैसा मुद्दा लेके आगे तब भर के समाधान करे कोशिश कर जाला। नहीं हमरे समाज में कोनो भी घटना घटे पहले शुरू हमरे समाज में मिलावल जाला ओकर बाद समाज में नहीं मिल पाइल तो हमरे वड़ा में जाइल जाला वड़ा भी नहीं मिल पाइल तो हमरे नगर में भी नहीं मिल पाइल तो हमरे जिला प्रशासन में भी जाके काम कैल जाता। हाँ तो जैसे हम कहली कि हमन के समाज में तमाम प्रकार के घटना घटते जात बा और कितना जो घटना बा कि आगे आग नहीं सकत नुकाल रहते पर्दा पाछे रहते ते आप सब वैसा घटना की खोज तलाश कर जला कि नहीं आपके संस्था मार्फत खोज तलाश कई के हमरे कैसे एक न्याय मिली उहे अनुसार हमरे चलल जाता। हाँ तो मन के असल सभी समाज निर्माण करके थी जो कि मन के घटना घटते बा जो विकृति विसंगति बढ़ते जात बा एक ही न्यूनीकरण करे खातिन आपके संस्था मार्फत कैसन कार्य योजना लियाने कोशिश कर गई बा ताकि हमन के असल समय असल समाज के निर्माण हो सके। अब एक खातिन हमरे जौन कार्य योजना लनले बाटिन के कि हरेक जिला में जाके हमरे एक ठो गठन कैल गेला समिति उ समिति हरेक जिला में जाके ताक यात्रा करे ताकि यात्रा कैले के बाद कौन जिला में कैसन घटना घटत बा ओके हमरे कैसे न्यूनीकरण करे सकल जाए उहे अनुसार के लागू पड़ल बा। हाँ तो वैसे हमन के समाज में जो ये घटना घटे जात बा आप समाधान करे कोशिश कर जाला आप सब ते जो हमन के समाज में तमाने से विकृति भी बा
बकिन का ई काम करे दौरान में कितना आलोचना खेपिक पड़ला आप सबकी? आलोचना तो कितना खेपिक पड़ा देहल जा, कितना कितना का नहीं कहने, तर भी हमरे उ सब ना सुन के हमरे कैसे कार एक परी, कैसे समस्या का समाधान हुई, कैसे महिला लोग न्याय पे ही उ हिसाब से हमरे चल जाला, केहू के आलोचना ना सुन के हमरे आगे बढ़े का। हाँ तो हमन के और हमन के समाज बड़े होय कर दिन कैसन कैसन काम कैले से, जिससे अब भाषण भर में सीमित रहने से नहीं हुई, अब स्टेज में चढ़ गई ऐसा हमारे कई देह के बकिन का वही जो व्यक्ति बा हम तभी ने कही चुकल बाटी की बकिन काम नहीं करत रहने। ते आप सब कौन माध्यम से और हमन के समाज बढ़िया होए के कौन कार्य योजना बनाए गई बा कि हमन के समाज में विकृति और कम होते जाए और असल से भी समाज निर्माण हो के किए? अब एक लिए ते अब बनते जात बा कि हमरे विकृति बढ़े ना पाए कहिके, न्यूनीकरण होए कहिके, हरेक अब मुद्दे मामला से जाइल जब हरेक घटना घटल बा, उ घटना जैसे कि अब हरेक नियम कानून आजकल ते आई गई ला, ते उहे नियम कानून अनुसार हमरे जाइल जाता, तब उ नियम कानून अनुसार जब जाए ते ओकर हुन कुछ डर त्रास होइबे करी कहिके, उहे अनुसार हमरे आते। अब जैसे कोनो ऐसन नई योजना रखल कि हमन के समाज में जो घटत बा घटना और कम होए, ऐसे तमाम प्रकार के चेतनामूलक कार्यक्रम कल जाला कि नहीं? चेतनामूलक कार्यक्रम विभिन्न किस्म के बा, अब जैसे कि हरेक नाटक द्वारा होइल कि कैसन होइल, उ किस्म के हमरे चेतनामूलक एक ठो अभियाने भी चलावल जाला कहूँ, और झई झगड़ा के भी अभियान मनो न्यूनीकरण होए, ऐसे घर में अब कितना झगड़ा झाटी होला नहीं, उकुल ना होए कहीं के भी हमरे उ कहल जाते। हाँ तो वैसे इतना गरी हमरे देखल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में आजी राज जी से ने कैमरा पर्सन माधव के साथ में, और आज हम लग अतिथि बाजी रीता चौधरी थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद। ते विषय हमन की समाज में तमाने से विकृति विसंगति बा, और साथ में जाके हमन की विकृति विसंगति हटाए खातिर यानी कि असल सभी समाज निर्माण करे खातिर तमाने संस्था लागल बाटे, वैसे असल समाज बनाए खातिर तमाने संस्था करत बाटे। बाकी का जोन जितना जगह पर हमन की घटना घटत बा, अब कितना जगह में वही संस्था भी वही व्यक्ति भी सुनाई नहीं करत बाटे, ते हमन के सबसे पहले ते एक संस्था भर ना हो कि एक व्यक्ति ऊपर भी भर पड़त बा, जोन कि हमारे वो व्यक्ति भी जिम्मा जोन ओखन की बा यानी कि जोन ओकर जिम ओखन की जिम्मेवारी बा, जिम्मेवारी बहन नहीं कर सकत बाटे। तो इसे जोन एक थारू कर्मकारी सभा के भातृ संगठन कहा जाए थारू महिला सभा, ते आप एमा कैसन पाल गेल बा कि जैसे कितना जोन व्यक्ति बाटे कौनो भी पद लहले बाटे बकिन का मन जिम्मेवारी बहन नहीं कर सकत बाटे, आखिर का है होते सन? अब ओकरे अपन जोन पद लेके अपन जिम्मेवारी बहन नहीं कर सकत बाटे, उ काहे हो अपन मन के बात मन ही रह जाता, हम ओके कैसे प्रस्तुत करी, कहाँ मीडिया में जाके प्रस्तुत करी, कहाँ करी कही के ओकहन के ज्ञान नहीं बा कि ड्रा के हो कि वही से हो जैसे हमें लागत बा। आते वैसे हमारे कार्यक्रम में एकदम अंतिम और आज चुकल बाटी, आते वैसे कार्यक्रम आप देखल गिल बुद्धि सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर, एक कथिन आपके हृदय से धन्यवाद देखता जात बा, ऐसे ने आप भी आपके अमूल्य समय के कथिन आपके धन्यवाद देखता जात बा, धन्यवाद। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी देखल गिल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर, और ऐसे ने कार्यक्रम के साथ में हम राज ऐसे ने माधव कैमरा पर्सन के साथ में, और हमारे आज अतिथि रहने थारू महिला सभा के केंद्रीय पार्षद रीता चौधरी, और आप देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन, एक हम संचालक राज भी आपसे विदा होती, नमस्ते।